करता हूँ उसका चेन का अपना वेट करता हूँ। उनमें मैन वर्सेस वाइल्ड थोड़ा सा देखा है तो इसीलिए हमारा थोड़ा गाइस। तो हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं, जब अनुराग सिंह मेरे घर पे आ चुका है तो बस हम लोग अब ई रिक्शा देख का वेट कर रहे हैं और बस निकलने वाले हैं। गाइस हमको ई रिक्शा तो मिला नहीं है, अभी ऑटो मिल चुका है तो हम लोग बैठ चुके हैं। बस हम अब बस स्टैंड के लिए निकल चुके हैं। बस स्टैंड हमारे घर से थोड़ी दूर है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर, और अनुराग हमारे पास बैठा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं कासगंज। तो अभी बस ने हमको यहाँ पर उतारा है और अभी हम जाएंगे रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों आप ये वाला ब्लॉग एंजॉय हेलो गाइस। हाँ दोस्तों, तो हम लोग कासगंज रेलवे स्टेशन आ चुके हैं और मैं और मेरा भाई गौरव प्रभात दोनों लोग आ चुके हैं और अभी हम जाएंगे टिकट लेंगे और कौन से प्लेटफॉर्म पर हमारी गाड़ी आएगी वहाँ पर जाकर हम अभी इंक्वायरी करेंगे और अपनी गाड़ी पकड़ेंगे। आप इस ब्लॉग को यूँ ही इंजॉय करते रहें। गाइस तो हम लोगों ने यहाँ से टिकट ले ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये टिकट हमारे हाथ में है और बस अब हम फोन के लिए निकलने वाले हैं। हमारी जो गाड़ी है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मिलेगी, तो हम मिलते हैं। आप देख रहे हैं हम लोग हमारी ट्रेन आने वाली है, ट्रेन का अपना वेट कर रहे हैं और मेरे संग मेरा अनुराग दोस्त भी आपके साथ। अनुराग एनालिसिस सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, बेल आइकन भी दबाइए, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आज का ये ब्लॉग मेरे दोस्त गौरव प्रभात के साथ, जिसका यूट्यूब चैनल है गौरव प्रभात, उसको भी आप बहुत एंजॉय करिए। और ये वाला ब्लॉग आपको मिलेगा गौरव प्रभात के मेन चैनल गौरव प्रभात के नाम से चैनल है। और दोस्तों कासगंज जंक्शन आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर आ चुके हैं कासगंज जंक्शन पर। जय हिंद वंदे मातरम। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितनी दुविधा की बात है, यहाँ पर लोग अपनी जान को खेल कर कैसे क्रॉस कर देते हैं, मतलब कुछ लाभ अपनी जान की कोई वैल्यू ही नहीं है इन लोगों को, मतलब थोड़ा सा टाइम वेस्ट स्पेंड नहीं कर सकते कि डायरेक्ट उससे पुल से लेकर आ जाए, पर कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपनी जान से परवाह नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही क्रॉस कर देते हैं प्लेटफॉर्म। तो बहुत देखिए जैसे कितने छोटे बच्चे को लेकर आए हैं, देखिए ये आंटी जी मतलब बिल्कुल क्या कह सकते हैं, बहुत शर्मसार बात है। ये देखो इसकी बनिया गिरी कहीं पे भी नहीं हो सकती, बंद इसने यहाँ पे भी प्रवास चटर राकेश बाबू लगा दिया है, सॉरी मेरे तो ताऊ जी हैं तो श्रीमान राकेश बाबू लगा ही दिया है। लो भाई एक और, यहाँ पर आकर हमको पता चल गया है दोस्तों पानी के भरने की सारी चीज है, जल है तो कल है। बहुत लोग हो चुके हैं तो हम लोग बस बैटरी चार्जिंग पॉइंट देख रहे थे तो हमें मिला, यहाँ पर मिला जैसे कि आप देख सकते हैं बैटरी चार्जिंग का जो उल्टा स्नेहर आ रहा होगा आपको, हमको भी आ रहा है कैमरे में, तो इसके लिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप आइए, बैटरी मोबाइल की चार्ज हो जाएगी आपकी, पर ये मोबाइल की बैटरी नहीं, थोड़ी कुछ ज़्यादा बड़ी बैटरी है, जिसके जो आप देख रहे हैं ये 220 कितनी है 25,000 वोल्ट की बैटरी चार्ज करता है, तो हमारे मतलब की नहीं, इसलिए हम कहीं और जो अपने मोबाइल की बैटरी की चार्ज का बंदोबस्त करती है। दोस्तों अभी हम अपने प्लेटफॉर्म पर तो आ चुके हैं और आप जैसे कि हमने बता चुके हैं और हम ट्रेन भी आ चुकी है, चलने वाली भी है, चलने वाली है। अब हम डिब्बे को देख रहे हैं कि कौन सा डिब्बा हमें खाली मिल जाए सीट, जल्दी जुड़ती है।
देख सकते हैं सबसे अच्छा यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी है यहाँ पर, तो हम तो हम यहाँ पर अपना फ़ोन और अपना पावर बैंक यहाँ पर इजीली चार्ज कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो ऊपर आ चुका हूँ लेकिन दोस्तों पंखे अभी ये बंद है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं गर्मी में बहुत हाल ख्याल है। और मेरा दोस्त और दोस्तों ये भी आ चुका है और सामने हमारा बैग रखा हुआ है। बैग को भाई उठा के इधर रख लो अपने, सावधानी हड्डी दुर्घटना घटी हमारी सावधानी हमारे हाथ में। क्या हो रहा है ये? मोबाइल चार्ज करने की दुकान है, दो मोबाइल चार्ज करेंगे एक साथ देखना। अच्छा अच्छा, ये हमारा ही है, किसी और का नहीं है। आगे क्या आएगा? अच्छा अच्छा, ये बात ये तो मेरा लग गया। हाँ मेरा इसमें रखा हुआ है। देखा भैया, देखा ट्रेन की बहुत चल रही है, हमारे कैमरा पहली दान बस हम नहीं पड़े हम दुकान एक बार बस लग गया लग गया। तो अब जो है और कहा ये सही वीडियो बन रही है, तो हम यहाँ पे चार मेरे वाले से चेक करिए। ऑफर दो हो चुके हैं यहाँ पर, ऑप्शन एक यहाँ पर ऑप्शन एक है और हम चार हम बुक करेंगे एक साथ। तो भाई आप देख ओ भाई हुआ था भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा मोबाइल चार्ज ही नहीं हो रहा, हम बहुत परेशान हैं, हम अपना बैटरी बैकअप कैसे यूज कर पाएंगे, यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, हम बहुत गलत जगह फंस गए हैं। मतलब हमने पहले जब चेक किया था हो रहा था, अब यहाँ हो नहीं रहा है, पता नहीं जैसे कि अनबॉक्सिंग लगे पड़े हैं और अरे यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं। तो प्लीज़ हेल्प मी, आप ब्लॉग को देखते रहिए और हमें हेल्प करते रहिए। A few moments later. तो गाइस हम चेंज करते हैं अपना टॉपिक, क्योंकि अब हमारा हमने कुछ जुगाड़ कर लिए, तो अब हमारा फोन चार्ज हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इनके मोबाइल की बैटरी जो है वो लाइट जो जल रही है, तो बस बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस। तो बस अब हमको आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी ब्लॉग बनाने में, बस आप इंजॉय करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। देखो भाइयों, गौरव भाई ब्लॉग शूट करने के लिए ट्राइपॉड निकाल रहे हैं और ये ट्राइपॉड आया बाहर। भाई से माउंट कहाँ है? अच्छा ठीक ठीक, ₹5 के हिसाब से तो बेटर है।
बस हम चाय पीते हैं, आप भी इंजॉय कीजिए और ब्लॉग को देख रहे तो आप भी चाय पीजिए। एक आज तो हम लोग बरेली स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, लगभग एक मिनट पर हम यहाँ पर आ चुके थे और अब वो लगभग कितने हो रहे हैं, अब कितने हो रहे हैं, टाइम हो गया अभी 3 बजे, मतलब अब 3 बज चुके हैं, हमको इसलिए यहाँ पर रुकना पड़ा। यहाँ पर तो हम बीच में लाइव आ चुके हैं, तो आप हमको चाहे तो लाइव देख सकते हैं हमारे सोशल अकाउंट पर जाकर। हम लोग आया देखा पता हाँ भाई, तो हम लोग लाइव आए थे अभी एपी पर और इंस्टा पर। अगर आपको एपी लाइव का लिंक चाहिए तो वो हमारे पौरव भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और भाई हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमको यहाँ पर आए हुए थोड़ा सा टाइम हो चुका है, तो आगे का ब्लॉग आप ऐसे इंजॉय करते रहिए। और अभी हम अभी जो हमारा लगभग पहुँचने का टाइम 5 बजे, हम 5 बजे अपने स्टॉप पर पहुँच जाएंगे, उसके बाद हमें अपनी जो है उबर कैब या ओला कैब कुछ भी वहाँ पर जो अवेलेबल होगा ट्रांसपोर्ट हम उसे बुक करेंगे ऑनलाइन और पहुँच जाएंगे। अगर वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है या हमारा शायद डेटा भी अब ऑफ होने वाला है, लगभग GB बचा हुआ तो बता नहीं वहाँ पर ऑनलाइन हो पाने हो पाए। हमारी बैटरी जो हम चार्ज पर लगाए हुए हैं, अभी बैटरी हमारा पावर बैंक चार्ज पर लगा हुआ है और भैया इनके चार्जर एकदम सुपर चार्जर, मतलब लावा जेड 61 का मोबाइल है और अच्छा इन्होंने बनाया है, अलग का चार्जर है जो इतना फास्ट चार्ज करता है। हमारा जो जियो का चार्जर है एकदम बकवास था भाई, आता जो बिल्कुल चार्ज ही नहीं कर रहा था। और ये ट्रेन का भी जो स्लॉट है, मतलब क्या कहें, डिसलाइक नहीं, ब्लॉग को तो लाइक करना है दोस्तों, हाँ ब्लॉग को तो लाइक करना है, लेकिन इस चार्जर का जो स्लॉट है वो उसको डिसलाइक कह रहे हैं, क्योंकि बहुत मतलब क्या कहें बकवास है। ठीक है तो मिलते हैं, बाय। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं टनकपुर स्टेशन पर, मेरे साथ मेरा भाई गौरव। दोस्तों काफ़ी लंबा सफ़र था लेकिन थोड़ा एंटरटेन भी आया, हम लोग एपी पे भी लाइव आए और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वाली जो ट्रेन है हम इसी से आए हैं और हम यहाँ पर आ चुके हैं टनकपुर स्टेशन। टनकपुर आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा लेकिन आप शीशे में रख के एडजस्ट कर लीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग पहुंच चुके हैं दोनों दोस्तों, तो लगभग आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बच चुके हैं 7:09, तो बस अब हम जा रहे हैं टिकट काउंटर पर पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट ट्रेन अब कब से कितनी बजे की है। जैसे कि आप देख रहे हैं हम आते आते हमें शाम हो चुकी है, हम रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पूर्णागिरी के स्टैंड पर, मतलब यहाँ से हमको जीप बस या मैक्स जो भी मिलती है वहाँ पर ओला कैब या उबर जो भी मिल जाए हम उसको भी बुक करते हैं तो और पहुँचते हैं। लगभग यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर है, तो हम लोग बस जा रहे हैं, तो आप ब्लॉग को इन्जॉय करते रहिए। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं ये बाजार है, बाजार मार्केट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये मार्केट है, पर हम लोग अभी पहुंचे नहीं है, बस थोड़ी दूर की रास्ता है, तो हम लोग जा रहे हैं, ये पूरा ही बाजार है यहाँ पर मार्केट है, तो बस चलते रहिए, हम आपको दिखाते हैं। और अनुराग भाई कैसा लग रहा है? बस भाई यहाँ पर आके मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत देर ट्रेन में सफ़र करने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते काजू शेख का यहाँ पर एक आगे यहाँ पर काफ़ी आ रहा है। और दोस्तों हमने घर से साउंड नहीं लिया था, तो लाइव बॉय जो हमने लिया है जो व्यक्ति है वो यूज करता है। दोस्तों ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है जो हम इसका ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको यही मिला यहाँ पर, कोई और मिल ही नहीं जाता, घड़ी निर्मा और भी है बहुत सारे जो मिले नहीं, तो फिर हमने यही वाला ले लिया ऑफिस। ठीक है तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए टैक्सी स्टैंड पर, जो हम लोग आज के हमें टैक्सी मिल चुकी है, यहाँ पर हमें मिल गया मैच ब्लैरो भी कह सकते हैं, पता नहीं क्या है जो भी है, मतलब अब इसका प्राइस केवल बहुत ही चीप है, एकदम बिल्कुल सस्ता, मतलब यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है पहला कोला, तो हमें ये वहीं पर उतारेंगे, वहीं से चढ़ाई शुरू हो जाती है। हम लोग आए हैं पूर्णागिरी के दर्शन करने, वहाँ पूर्णागिरी के तो इससे जा रहे हैं हम लोग, ये हमको वहाँ पर पहला कोला उतार देंगे, केवल 30 रुपये ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग चढ़ाई करेंगे, तो हम आपको उसमें ब्लॉग में दिखाते रहेंगे।
हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमें मतलब सुबह से कोई पूड़ी वगैरह खा के हमारा मन थोड़ा सा वैसा हो गया था, लेकिन अब हम यहाँ पर आए फास्ट फूड और आप दोस्तों देख सकते हैं ये मोमोज तो हमारे साथ। इसको देख के हमारे मुंह में तो पानी आ गया और बहुत तेज भूख लग रही थी, हम परेशान हो गए थे, कुछ मिल ही नहीं रहा था, सब पूड़ी पूड़ी लगी पड़ी थी, पूड़ी मछली नमकीन, तो हम कुछ फास्ट फूड खा रहे हैं। तो यहाँ पर आए माही फास्ट फूड पर, ये भैया स्टॉल लगाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। और आइए कभी इनके पास मोमोज खाने। और दोस्तों आज पहली बार मैं यूके के मोमोज खा रहा हूँ। पुंडागिरी के द्वार पर आ चुके, जैसे कि अभी हम आपको आगे दिखाएंगे और हम पहुंच चुके हैं। बस अभी हम लोग थोड़ा आरामदर थोड़ा चाय की कमी हुई थी तो हम जरा चाय पी रहे थे, तो उसको पूरा कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जर्नी और चढ़ाई जो भी है। तो अभी ना कपड़े भी चेंज करेंगे, लोअर वगैरह लेंगे, क्योंकि अभी दिक्कत हो जाती है जींस में, बहुत हार्ड हो जाता है। तो बस मिलते हैं, आप इंजॉय करते रहिए। और हाँ, हम आपको सीधे सीधे बता दें, हम आए पुंडागिरी और पुंडागिरी की चढ़ाई कर रहे हैं बस। तो आवर पुंडागिरी टेम्पल जो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हम रैन बसेरा में बैठ चुके हैं, अब मैं बस कपड़े बदलूँगा, थोड़ा एनर्जी डाउन सी फील हो रही है तो मैंने आराम कर रहा हूँ। और अनबॉक्सिंग में जो लगे पड़े हैं अभी सही कपड़े बदलने में, बस मैं भी अभी बदलता हूँ। दोस्तों रात के 9:12 हो गए हैं और हमने यहाँ से चढ़ाई करना शुरू कर दी है और आगे हम चढ़ते चले जाएंगे। तो बस ये यहाँ से रास्ते जैसे कि आप देख रहे हैं ये शुरू हुए, बस हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये लेट्स गो स्टार्ट हो चुका है हमारा। और हम जय माता दी लेट्स रॉक और जय माता दी कैसे भी जा रहे हैं। तो बस स्टार्ट हो चुकी है, अब देखो कितने बजे तक पहुँचते हैं ऐसा कुछ तो पता नहीं है, क्योंकि वो जैसा कि आप शायद देख पा रहे हो वो ऊपर छोटी छोटी से बल्ब जो दिख रहे हैं, वहाँ तक हमें जाना है। तो बस जय माता दी बोलते हुए चल रहे हैं। अनुराग सिंह जय माता दी, जय माता दी लेट्स रॉक। 1 hour later। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं पहले हम जो चल रहे थे तो हमारे पास कोई नहीं था, मतलब दूर दूर तक कोई भी पर्यटक नहीं दिखाई दे रहा था, पर अब आप जैसे देख सकते हैं हमें पास बीच बीच में पर्यटक मिल रहे हैं, तो लगभग हमारी MBBS कितनी स्पीड आ रही है अभी हमारी 7 से 8 MBBS स्पीड आ रही है, हमारी बिल्कुल सही है। सिटी में स्कर्ट करेंगे और बस लगे पड़े हैं और दो यूट्यूबर ब्लॉग करेंगे। तो अभी आपको हम दिखाते हैं, अब हमारे पास काफी पर्यटक हैं, तो बस हम चल रहे हैं, हमारी स्पीड तो बिल्कुल अच्छी बताई दी है अनुराग सिंह ने आपको। तो बस आप देखते रहिए। A few moments later। दोस्तों अब मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा था तो हमारे पीछे वाले भाई ने कह दिया कि अगर आप वहाँ तक जा ही रहे हैं मंदिर तक तो यहाँ से पूरा जाइए। लेकिन दोस्तों अब मेरे पीछे देख सकते हैं नंबर ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पीपल इज गोइंग टू रीच। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ी की चढ़ाई है और दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा रास्ता बहुत ज्यादा रफ एंड टफ है, तो हम लोग बस एक तरह से हमारा एडवेंचर भी है और माता जी की जय जयकार करते हुए हम लोग चल रहे हैं। और बस मैं बस इतना कहना चाहूंगा JMD जय माता दी लेट्स रॉक और ये दो यूट्यूबर रॉक कर देंगे। और आप दोस्तों देख सकते हैं जो हमारा मतलब जो एक रफ एंड टफ वे था, सांस हमारी फूल चुकी है, लेकिन वो रफ एंड टफ वे जो है वो शायद खत्म अभी नहीं हुआ है, अभी और है यहाँ पर आगे और है। कहाँ से क्या आया तो हम लोग हाफ चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और दोस्तों बस ये वाला रास्ता बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ है दोस्तों, वो तो हमने बचपन में मैन वर्सेस वाइल्ड थोड़ा सा देखा है, तो इसीलिए हमारा थोड़ा इजी पड़ा, इजी वे पड़ा, बहुत कम दिक्कत हो रही है, इजी पड़ रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत सर्वाइव कर पा रहे हैं तो उसका एक रीज़न है मैन वर्सेस वाइल्ड, क्योंकि बियर स्किल्स ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो बियर स्किल्स सर को बहुत बहुत धन्यवाद, सर आपने हमें इतना अच्छा भेज दिया, इतना अच्छा आइडिया दिया, पर आपने ये नहीं बताया कि आप जाते तो क्या करना है आप गए तो आपने कुछ बताया नहीं, अब क्या करें, तो अंधेरा हो चुका है अभी, तो अंधेरा तो हो ही चुका है, आपको शायद हम थोड़े थोड़े से चमक रहे होंगे छोटे छोटे। ये कौन सा शॉट है भाई, ये शॉट है अभी
जो पुराना पूर्णागिरी जी का जो रास्ता था उस रास्ते से आए, तो हमें हनुमान जी का मंदिर हमने खोजा है, मतलब हमको मिला। तो ये पीछे लॉर्ड हनुमान जी है हमारे पास। और दोस्तों हम यहाँ पर आए, आप लोग देख सकते हैं बहुत सा रात का टाइम है, लेकिन फिर भी इतना पसीना है क्योंकि ये वे थोड़ा सा कम था, और हमारे जो और भाई हैं इनके भी फेस पर पसीना है और मेरे फेस पर है, मेरे फेस पर पसीना कितना था, मेरे पिंपल भी आ, लेकिन पिंपल ऐसा भाई देखो भाई कितना टाइम हो गया होगा भाई, हम लोगों को सर अभी तक 5 से 6 मिनट हो गए हैं, इसलिए मैं चलते रहते पर वो डिपेंड है। तो प्लीज डोंट चूज द दिस वे बिकॉज दिस इज वेरी टफ, तो प्लीज यू कैन ओरिजिनल जॉइन न्यू वे। तो एक तो खास बात बताने वाली, हमने शॉर्ट जो लिया था जब मैं थोड़ी देर पहले बोला हम शॉर्ट में ले आए हैं, हमने गलती कर दी, तो हमने गलती कोशिश करी, मतलब ये मेन रास्ता है जो सरकार द्वारा टावर का रास्ता बन चुका है, वो उसको हमने नहीं लिया, हम जो पुराना जो मतलब कि जो आदमियों के द्वारा बनाया गया होता हाथ से काट काट के पत्थर, वो रास्ता है, पर यहाँ पर थोड़ा सा RCC कर दिया गया है, पहले ही कर दिया था सरकार के द्वारा, पर अब जो है सरकार ने। लेकिन दोस्तों एक कहावत है ओल्ड इज गोल्ड, सो हम लोगों ने ओल्ड रास्ता अपनाया है, तो देखिए है JMD जय माता दी एंड लेट्स रॉक, दो यूट्यूबर स्केट करेंगे। हाँ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है ये माँ पूर्णागिरी मंदिर का एरो इधर है, और दोस्तों यहाँ पर ये कार की पार्किंग है आप देख सकते हैं नीचे साइड में, और दोस्तों यहाँ पर पीछे पार्किंग स्थल माँ न्यू टैक्सी स्टैंड जयर मंदिर पूर्णागिरी। हाँ दोस्तों ये ऐसा मतलब एक रूमर नहीं कह सकते, इसकी ये कहावत है कि अगर हम माता के दर्शन करके आते हैं फिर हमको भैरव बाबा के दर्शन करना कंपलसरी है, इट्स अ रूल। और दोस्तों अब हम यहाँ पर आगे चलते जाएंगे, दोस्तों यहाँ पर मार्केट भी है, तो हम मतलब वो भी आपको मार्केट भी दिखाएंगे आगे। तो दोस्तों देखिए जैसे यहाँ पर ये मेला छोटी दुकानें हैं, यहाँ पर चूड़ी कंगन और ब्रासलेट और कीरिंग वगैरह ड्रेस वगैरह ये जो चीज़ें हैं बच्चों की मिल जाती हैं, बड़ों को भी मिल जाती हैं, जैसे पेंडल वगैरह, यहाँ पर सिंदूर जो मेन होता है सिंदूर माता जी का बताते हैं, ले जाना चाहिए, कितनी अच्छी अच्छी लग रही हैं, और ये भैया देखिए कितनी मेहनत करते हैं, लगाते हैं हटाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा अपने आपके हर से एक सिटी में एग्जीबिशन लगती है, वैसा ही कुछ यहाँ पर देखिए अंदर काफ़ी अच्छी भगवान जी की जो है तस्वीरें हैं, यहाँ पर आपको जैसे किसी का बैग फट जाता है तो वो यहाँ पर हेल्प हो जाती है, हेल्प में मतलब रुपये देने पड़ते हैं आपको, जैसे और दिल्ली वालों का धमाका 100 रुपये से भैया, यहाँ पर ये वाले बैग 100 रुपये के हैं कोई सा भी, और ये वाले ये 20 रुपये, अच्छा मतलब पूरी सेल्फ में ये छोटे वाले भैया, अब वो अलग है वो अलग है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं Touchdown to Heathrow, DP and me bro, about to hit the club and turn the shoot to a freak show, look through the people, everybody geeks, yo, need to get girl with the next dream, need that, see six midgets that be fighting, juggling, maybe it's just me, cause my mind is struggling, babes, we're flirting, acting like a clown, know what's going down, every time that we in town, taking a look through the people, yo, everybody's getting geeked, bro, stop the hate and let the meats know, don't we turn the club into a freak show, club to a freak show, got a club to a freak show, और देखिए यहाँ पर जैसे कि ये जंजीरा है, जंजीरा ये, और यहाँ पर जो है पर्यटक वगैरह रुकते हैं जैसे लखनऊ धर्मशाला इंद्रपाल यादव। इसमें अंडरग्राउंड में आप रुक सकते हैं और यहाँ पर स्टार गोल्ड का मजा ले सकते हैं, जैसे कि मूवी आ रही है बैटिंग राजा, तो आप उसको देखिए और एंजॉय कीजिए, और ये भैया बहुत मेहनत करते हैं, आप सबको रोकते हैं पर्यटक को,
बुलाते हैं, बिठाते हैं और काटते हैं और काटते तो है चूतिया। ये देखिए बैटिंग राय चल रही है यहाँ पे, जैसे कि ये लोग बताते हैं 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग झूठ बोलते हैं। 5 मिनट में पहुंच जाएंगे आप लोग, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब ये लोग बोलते हैं। तो आप अगर कभी आए तो बातों में ना आए, मतलब ये ना आए आप, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे हमारे जो है खाने पीने का आइटम भी है, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये काफ़ी कॉस्टली देते हैं, मतलब 5-5, 10-10 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं। दोस्तों जो नॉर्मल वाली चढ़ाई थी तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, और दोस्तों अगर अब यहाँ थोड़ी देर के बाद ही यहाँ से जीने वाली चढ़ाई स्टार्ट है, यानी कि स्टेप वाली, दोस्तों पीछे है पर ये सुविधा बहुत अच्छी दी हुई है, मतलब एकदम वन क्लास एस क्लास। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो मतलब जीने वाली चढ़ाई स्टार्ट है उसका ये गेट है, और दोस्तों यहाँ पर खड़ा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी, दोस्तों सिक्योरिटी का भी एवन बंदोबस्त है, अगर हम यहाँ से जाते हैं, अभी हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, और नहीं और यहाँ पर भैया कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर आप रुकना चाहें तो वो भी सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों देखिए जैसे कि अभी सीढ़ी नुमा चढ़ाई चालू हो चुकी है, खैर अभी तक उतर रहे हैं, अभी हम चढ़ाएंगे जैसे कि यहाँ पर है भैरव मंदिर, यहाँ पर हम लौटते हुए आएंगे, ये मतलब कहते हैं पहले माता जी के मंदिर होकर फिर यहाँ पर आते हैं, और हम यहाँ पर यहाँ से मेन सीढ़ी जो है स्टार्ट हो चुकी है, अब हमारी जो है चढ़ाई पैदल की बिल्कुल खत्म, अब केवल सीढ़ी नुमा चढ़ाई शुरू हो चुकी है। Moments later. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शेर महाराष्ट्र है और आगे दो शेर और खड़े हैं। हम लोग एनालिसिस एंड टेक प्रवाद, हम काफी ऊपर आ चुके हैं अब, तो बस हम चल रहे हैं अभी, तो और भी हमारे अंदर स्टेमिना बहुत है भाई, लेकिन मेरे अंदर अब स्टेमिना नहीं है क्योंकि मैंने कुछ खाया भी नहीं था, पर खाने का भी ठीक है और यहाँ पर मैगी भी है, और दोस्तों अभी हम खाएंगे यहाँ पर थोड़ी देर के बाद, हम लोग काफी तो कर ही चुके हैं, हम लोग कुछ खाने की सोचे क्योंकि भूख भी लग रही है हमें काफी, तो बस अब हम एक यहाँ पर एक ढाबा है पंडित जी का ढाबा, अब हम खाना खाएंगे भी, हाँ यहाँ पर मौसम भी बहुत तो नहीं, बस थोड़ा ठंडा है जैसे आप देखें, मतलब टी शर्ट में भी ज़्यादा तो मैंने कहीं चल फिर खा ही लेते यार, बस अभी जो भैया गए हैं जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था ये भैया खाना बनाने के लिए गर्म कर रहे हैं, जो भी कुछ इनकी थाली का सिस्टम है वो कर रहे हैं ये इनकी किचन है, और ना ये पानी कर रहा है भाई मेरे भाई का। We'll keep the fire burning.
A few moments later. Every time I see you in my dream. Abhi school hai. अरे बस वो तो इसमें कैप्चर हो गया। अभी का नालिया में पूजा तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग तैयार हो चुके हैं, कपड़े हमारे हो चुके हैं चेंज। अब बस हम लोग, हमने बरसात भी ले लिया है, तो बस हम लोग निकलने वाले हैं। वो दरबार दम से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हम उसका सफर लगभग 10 से 15 मिनट में कर लेंगे। हाँ, और क्या, 20 मिनट के अप्रोक्स में टाइम आएगा। और इसमें क्या है, तो इसको अभी हमने अनबॉक्स नहीं किया है, और इसको अनबॉक्स तो आगे ही होगा, आगे जो पंडित जी होंगे वो करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ प्रवेश द्वार, वो यानी कि मेन गेट है वहाँ पर। मेरा भाई गौरव पीछे, और भाई आए करो आए, और थोड़ा सा हल्का सा तो टायर्डनेस है, लेकिन एनर्जी चार्ज है, आएगा ब्लॉग एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग बिल्कुल फ्रेम में आ चुके हैं माता के चरणों में। माता दी लेट्स रॉक। माता के चरणों में झुकने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। सिंदूर यहाँ पर ले रहे हैं दोस्तों। हम लोग अभी दर्शन करके ऊपर से उतर रहे थे, और जहाँ पे हमने स्टे किया था वहाँ से हमने में आ रहा था, तो एक बहुत मतलब हैरानी थी आप आस्था का प्रतीक झूठे का मंदिर। अब तो क्या है, पर मंदिर है तो बस मन जा। तो आप जो देख चुके होंगे, हम काफी बार आपको दिखा चुके हैं, पूरा दिखा के थक गए हैं, आप भी देख देख कर थक गए होंगे। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पहाड़ है, नेपाल में आते हैं वो पहाड़। Bye.
5 के आसपास का टाइम है और रोशनी बहुत अच्छी है और ब्लॉग एकदम मस्त शूट हो रहा है। और ऐसे ही ब्लॉग जैसे देख सकते हैं आप वहाँ पर भी मतलब और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है तो मैं देखिए वो पहाड़ है। और दोस्तों यहाँ पर जाने के बाद हम नेपाल जाएंगे तो वहाँ पे भी जो पहाड़ होंगे उनको भी हम अपने इस ब्लॉग में शामिल करेंगे, मेंशन करेंगे। नेचर के सेट पर यानी कि एक प्रकृति के सेट पर हम एक हमारे मित्र कह लो, भाई कह लो या फिर ब्लॉग पार्टनर कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं गौरव प्रभा। दोस्तों इनकी भूमिका में मैं बताना चाहूँगा कि इनके दो YouTube चैनल हैं और एक तो काफ़ी अच्छा शो किया है इसका नाम है गौरव प्रभा, तो उससे ये अपने ट्रैवल ब्लॉग डालते हैं। और दूसरा चैनल इन्होंने अभी कुछ समय पहले है टेक शुरुआत के नाम, दोस्तों उस पर ये डालते हैं अपनी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन पेज वीडियो। तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। और आप ये आए थे हमारे साथ आए थे तो आज ये कुछ के साथ अनुभव इनका थोड़ा निकाल जाए। नमस्कार भाई, भाई आप कैसा लगा कि यहाँ पर आके आपको मतलब कैसा आपको फील हो रहा है? यहाँ पर एकदम नेचुरल है सब कुछ, जो कुछ बनावटी नहीं है, बिल्कुल एक ही नेचुरल है, यहाँ पर कुछ नहीं, बस जो यहाँ पर थोड़ी जो रोड है वो ही बनावटी है, वरना बनने का सारा यहाँ पहाड़ वगैरह सब गेट ऊपर से लेकिन नेचुरल है। हाँ तो अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि यूट्यूब का आइडिया कैसे है। आइडिया जो मैं आपको बताऊँ, मैं जब छोटा था लगभग 2011 की बात है, जब मैंने यूट्यूब चैनल मतलब मुझे पता भी था कि यूट्यूब पर, मैं जब पहले जानता था कि यूट्यूब पर केवल वीडियोज देख सकते हैं, तो मैंने उस पर देखा अपलोड का ऑप्शन था, तो मैंने देखा इस पर अपलोड कर सकते हैं क्या, तो मैंने अपने घरेलू वीडियोज को डाल दी। तो थोड़े दिन बाद मैंने उससे देखा, मैं अब आया वीडियो डाल दी, वो देखता हूँ मैं सब क्या, तो कुछ लगभग 100 या 100 के आ गए थे उसका।
तो मैंने कहा यार मतलब और भी मैंने तो इतना दिखा भी नहीं, मैं तो फिर बार आया, मैं एक तो होना चाहिए उसमें ना, मैंने कोई जो किया मैं समझ नहीं पाया। फिर मैंने उसको गूगल किया, देखा तो मैंने देखा वहाँ पर गूगल मतलब यूट्यूब चैनल होता है, एक तरह से टीवी का चैनल होता है वैसे ही चैनल होता है, मुझे पता लगा। फिर मैंने तभी से मतलब उस पर वीडियो डालना शुरू कर दी। फिर अब तो जो मैंने उस पर वीडियो डाली थी वो तो मैंने सारी डिलीट कर दी है, लेकिन अब मैं अब उस पर ब्लॉगिंग वीडियो डालू। अच्छा तो दो यूट्यूब चैनल, एक ब्लॉगिंग और एक टेक इन्फॉर्मेशन, इसका क्या आपका बोल? ऐसा था पहले मैंने सोचा क्या कर रहे हैं मतलब शादी थोड़ा मतलब दुकान पर उस वक्त टाइम मतलब दुकान पर स्पेंड हो जाए, जो टाइम था वो दुकान पे स्पेंड हुआ हो जाया करता था, लेकिन मैंने कही अब जो अच्छा मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट ज़्यादा है, ये मैंने सोचा लोगों को मतलब ज्ञान दिया जाए या मेरे पे जो मैं जानता हूँ मैं लोगों तक दे सकता हूँ, मेरा मेन मोटिव ये था टेक्नोलॉजी के बारे में। अच्छा तो दोस्तों मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि इनका टेक चैनल है टेक प्रभात, एम राइट राइट टेक प्रभात, वहाँ पे जाइए और इनके चैनल पर एक बार विजिट करिए, वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक करिए और भाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मेरे कहने से आप भाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए। और हाँ दोस्तों तो इनसे शेयर करिए जब वीडियो को ज़्यादा और लाइक, तो आप मुझे पता है आप एक बार वीडियो देखेंगे तो बिना लाइक के रह नहीं पाएंगे। नमस्कार। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हम ट्रकपुर के लिए रवाना हो चुके हैं यहाँ पर, और जो अनुराग सिंह जो लगता है यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, उनकी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी है। भाई अंदर उठ जा भाई, इसकी उम्र अभी तो बहुत टाइम है। बस भाई भाई ने उठाया उठ गए, और समस्या तो यही है कि हम थोड़ा मतलब थक चुके हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा थक चुके हैं मतलब बिल्कुल दादा की चढ़ाई, लेकिन अभी आपके ब्लॉग के लिए नेपाल जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री जा रहे हैं हम ट्रिप ब्लॉग के लिए। नेपाल तो जा रहे हैं बिल्कुल मतलब पूरी रात चढ़ाई की, और फिर अब सुबह उतर ही रहे थे और रात में भी सोई नहीं, लेकिन भाई वो तो बहुत भाई का कैमरा अच्छा है कि थोड़ा सा ना चेहरा पूरा पूरा आ रहा है, लेकिन रियलिटी में चेहरा बहुत ज़्यादा डंप हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं हम सिद्ध बाबा के मंदिर में पहुंच चुके हैं, पूजा भी हमने कर दी है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे चेहरे पर या माथे पर आपको तिलक मिल जाए, और ये सिद्ध बाबा का मंदिर है जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, वो सिद्ध बाबा का मंदिर है, और इधर मेन मंदिर है, यहाँ पर ये पूजा हो रही है। और दोस्तों ये हमारे नेपाल बॉर्डर पर ही है और आप देख सकते हैं मौजा फैमिली का, हम लोग पहुँच चुके हैं, हम आ चुके हैं हाथी गेट पर, तो बस अपने अपने घर जाने वाले हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं, तो बस यहाँ पर लास्ट ब्लॉग यही था कि लास्ट अब हम घर पहुँचने वाले हैं, और बस आपको एडिट करके हम जल्दी से आपके लिए पोस्ट यूट्यूब पर पोस्ट कर देंगे, और आप देख लीजिएगा, और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अपडेट्स दे देंगे इस ब्लॉग के। ठीक है भाई, तो एक रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, आवाज़ मेरी बैठ चुकी है क्योंकि मौसम चेंज हो गया था, तो इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। आप लोगों को पता है हम लोग कहाँ कहाँ गए, पूरा हमने पूरा शूट किया, तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और बहुत ज़्यादा प्यार देना, लाइक लाइक लाइक। चलो भाई मिलते हैं फिर, ओके भाई बाय बाय बाय। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अनुराग वीर सिंह जा चुके हैं अपने रास्ते, और मैं भी अपने रास्ते जा रहा हूँ। गाड़ी या हमको कैब वगैरह बुक करनी पड़ेगी, उसके बाद हम वहाँ से ट्रांसपोर्ट बन जाएंगे। हाय कर दीजिए जरा, और भैया आपका नाम क्या है? कोई बात नहीं, इनका नाम है, धन्यवाद। लोग पहुंच चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप होटल